अब आप लोग भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। अब आप सोच रहे होंगे मैं भगवान राम का जिक्र क्यों कर रही हूं। आपको बता दें, इस वक्त राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी सामने आई है। आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। आपको तो पता ही होगा, राम मंदिर के निर्माण के बाद रोज वहां पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके बाद दो दिन पहले एक आतंकी हमले की खबर सामने आती है, जिसमें पाकिस्तानी संगठन जैसे मोहम्मद एक ऑडियो जारी कर कहता है कि हम राम मंदिर को उड़ाने वाले हैं, ये बम से उड़ाया जाएगा। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मच जाता है इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि 500 साल बाद भगवान श्री राम वहां पर अपना विराजमान कर चुके हैं और अभी से ऐसी धमकी मिलना शुरू होना, निर्माण जहां पूरा भी नहीं हुआ लेकिन सरकार द्वारा इस धमकी के बाद वहां की सिक्योरिटी हाई कर दी जाती है। आपको बता दें कि आतंकी हमले की धमकी को देखते हुए अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खुद SSP राजकरण नैयर ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल आतंकी संगठन के ऑडियो की जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर हमला करने की कोशिश कर चुका है। हालांकि 5 जुलाई 2005 के दिन हुए इस आतंकी हमले को सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने हमला करने आए सभी आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में रहती है। अयोध्या के SSP राजकरण नैयर ने अयोध्या की सुरक्षा की बात करते हुए कहा, अयोध्या धाम की सुरक्षा पहले से ही सख्त है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। विभिन्न जोन में सुरक्षाकर्मी पहले से ही तैनात हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि देश में आतंकी हमले पिछले 10 दिन में जो ज़्यादा हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या आपको लगता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VUA न्यूज़ पर।